हमने कहा भाई भारत है, भारत को भारत रहने दीजिए, बांग्लादेश मत बनाइए वरना छत से जुदा घर हो जाएगा। तो कई लोगों को आग लगती है कि बाबा जी ऐसा क्यों कहते हैं। हमारा उद्देश्य ना हिंदू मुसलमान करना है, हमारा उद्देश्य ना हमें कोई बहुत बड़ा गुरु बनना है, हमारा उद्देश्य ना हमें कोई बहुत बड़ा नेता बनना है, हमारा उद्देश्य हमें हिंदुस्तानी होकर, सनातनी होकर सनातन की ध्वजा को पूरे विश्व तक पहुंचाना है। हम पर कृपा कर देना, हमारे घर सेना भेज देना, आपके अलावा कोई नहीं है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो ऐसे। जय श्री राम दोस्तों, जय बाबा श्रीधाम। गुरु जी का दर्शन करो। गुरु जी पहुंच चुके हैं एक कार्यक्रम में जो कि गुजरात में है, तो चलिए आप लोगों को गुरु जी की पूरा प्रवचन आप लोगों को सुनवाते हैं। गुरु जी क्या क्या बोलते हैं आप लोगों को पूरा दिखाते भी हैं। अस्त्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। अतुलित बलधामम हैमशैलाभिदेहम दनुज बन कृशानु ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामुधीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोज बम्मा रुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धि मतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। संत ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाय, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। रामचंद्र भगवान की। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। दादा सोमनाथ की। भगवान द्वारकानाथ की। प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव जी महाराज की। आदिनाथ भगवान की। पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज की। जैन परंपरा के सभी संतों की। अपने अपने मताई बाप की। गुजरात के पागलों की। भारत हिंदू राष्ट्र की। 11 बजे से बैठे जो ग्राउंड में मन ही मन गाली बक रहे गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उनकी भी। जो चले गए उनकी भी। जो सबसे बाद में आए हो वीआईपी बन के मंच के बगल में बैठ गए उनकी भी। नमः पार्वती पते। कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। गुजरात की भूमि भक्ति की भूमि है। एक तरफ जहां द्वारका नाथ है, दूसरी तरफ दादा सोमनाथ है। एक तरफ जहां अंबाजी का दरबार सजा हुआ है, तो दूसरी तरफ पालीताना में संतों का द्वार सजा हुआ है। ऐसी भूमि जहां
बापा सीताराम ऐसी भूमि जहां संत नरसी मेहता, ऐसी भूमि गुजरात की भूमि, जिस भूमि पर आकर के हमारा मन भी एकदम गदगद है, प्रसन्न है। और पाली ताना के लोग तो और महापुरुष हैं। हम तो भावनगर पाली ताना तरफ पहली बार आए, पूज्य मुनि जी विराजमान है, महाराज जी के चरणों को भी आज हमारा सौभाग्य के महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद हमें मिला। पूज्य श्री सभी संत साधक साधिकाएं जो वर्तमान में चातुर्य मास के पावन पर्व पर अपने आप को साध कर साध की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे सभी साधकों को भी प्रणाम करते हैं हम। श्री सीताराम। भाई भैया जरा डबलिंग ठीक कर दो। जय सियाराम। भारत हिंदू राष्ट्र की। आज बड़ा अद्भुत दिन है कृष्ण जन्माष्टमी का। आज के दिन ठाकुर जी प्रकट हुए थे। अच्छा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन तो है जो तो सो तो ठीक है, पर हम अभी कोई हमारी बहन रास्ते में बता रही थी कि गुरुजी भारत की दूसरे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी शोभा यात्रा कृष्ण जन्माष्टमी की पाली ताना में होती है। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, मन हमारा एकदम गदगद हो गया। धन्य है गुबानी परिवार, हमारे श्री रमेश गुवानी जी और इनका पूरा परिवार अपने माता पिता के स्मरण में सदैव सतत सत्कर्म करते रहते हैं और यहाँ पर चातुर्य मास की परंपरा का निर्वाहन करवा रहे हैं, साधकों के साथ बैठ रहे हैं। हम गुवानी परिवार को खूब खूब साधुवाद देते हैं। और जितने लोग 11 बजे से धक्का मुक्की खाकर खड़े हैं, माता जी हरे, जय हो माता जी। जो भी विराजमान है, सियाराम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको श्री सीताराम में मानकर हम प्रणाम करते हैं। बोलने के लिए महाराज जी ने पूरा बोल दिया, बचा ही क्या। कृष्ण जन्माष्टमी थी तो महाराज जी ने पहले ही बाउंड्री के बाहर गेंद फेंक दी। और जो हम सबकी भावना है वो महाराज जी ने कम शब्दों में गागर में सागर भर दिया कि हमको हर हाल में जैसा राम मंदिर भव्य दिव्य बना वैसे ही ठाकुर जी का मंदिर भी चाहिए। और गुजरात तो इन सब में सबसे आगे है हर प्रकार से। अभी जो भी घटित तो हो रहा भारत में गुजरात की ही देन है। जो भी हो रहा उसमें गुजरात की तो मुख्य भूमिका है ही है। और यहां तो छोड़ो, बाहर विदेशों में भी जलवा गुजरात के ही है। हम तो जहां भी जाते हैं विदेश में कुछ मिले या ना मिले पर वहां पर भाई फाफड़ा थेपला गरबा ये जरूर मिल जाएंगे, हम समझ जाते। और आजकल तो हमारी भी गुजराती इंप्रूव होने लगी। हम पूछ ले तमें केम छो, शू नाम छे तमारो, सामने वाला हूँ गुजराती छे। तो कहते आप तो मध्य प्रदेश के आ रहे हैं, हमने कहा हम तो इन्हीं के बीच में बढ़ रहे। तो हमारा सौभाग्य है कि गुजरात हमको बार बार आने का अवसर मिलता रहता और हमें बार बार इस भूमि को नमन करने का अवसर मिलता है। आप लोग भाग्यशाली हो, हम बढ़ते हुए भारत में जी रहे हैं। बढ़ते हुए भारत का मतलब हमारा भारत बहुत आगे बढ़ रहा, ग्लोबली रूप से, अंतर्राष्ट्रीय रूप से और भारत की आर्थिक स्थिति के अनुसार भी। पर बुरा मत मानिए, हम बढ़ते हुए भारत में अपने आप को असुरक्षित कर रहे हैं। वो कोलकाता की घटना बार बार रूह को कपा देती है। अभी हमने बीच में बोला, अच्छा कुछ लोग हमारी बातों का अर्थ अनर्थ कर देते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि बाबा उल्टा बोलते हैं। सच ये है कि ना हम सीधा बोलते ना उल्टा, हम जो है वो बोलते हैं। हाँ, कुछ लोगों को लगता कि उल्टा बोलते ना हम उल्टा बोलते ना हम सीधा बोलते, जो है वो बोलते हैं। हमने कहा भाई भारत है, भारत को भारत रहने दीजिए, बांग्लादेश मत बनाइए वरना छत से जुदा घर हो जाएगा। तो कई लोगों को आग लगती है कि बाबा जी ऐसा क्यों कहते हैं। हमारा उद्देश्य ना हिंदू मुसलमान करना है
हमारा उद्देश्य ना हमें कोई बहुत बड़ा गुरु बनना है, हमारा उद्देश्य ना हमें कोई बहुत बड़ा नेता बनना है, हमारा उद्देश्य हमें हिंदुस्तानी होकर, सनातनी होकर, सनातन के ध्वजा को पूरे विश्व तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य भारत के सोए हुए लोगों को जगाना है। और बुरा मत मानिए, जैन परंपरा हमारा ही परिवार है। जैन का अर्थ क्या? जिसने मन को जीत लिया। जैन का अर्थ क्या? जिसने साधना के बल पर अपने आप को जीतने का प्रयत्न कर लिया। हाँ, कुछ लोगों को लगता कि उल्टा बोलते, ना हम उल्टा बोलते ना हम सीधा बोलते, जो है वो बोलते हैं। हमने कहा भाई भारत है, भारत को भारत रहने दीजिए, बांग्लादेश मत बनाइए, वरना छत से जुदा घर हो जाएगा। तो कई लोगों को आग लगती है कि बाबा जी ऐसा क्यों कहते हैं। हमारा उद्देश्य ना हिंदू मुसलमान करना है, हमारा उद्देश्य ना हमें कोई बहुत बड़ा गुरु बनना है, हमारा उद्देश्य ना हमें कोई बहुत बड़ा नेता बनना है, हमारा उद्देश्य हमें हिंदुस्तानी होकर, सनातनी होकर, सनातन के ध्वजा को पूरे विश्व तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य भारत के सोए हुए लोगों को जगाना है। और बुरा मत मानिए, जैन परंपरा हमारा ही परिवार है। जैन का अर्थ क्या? जिसने मन को जीत लिया। जैन का अर्थ क्या? जिसने साधना के बल पर अपने आप को जीतने का प्रयत्न कर लिया। तो जैन परंपरा भी हमारा ही परिवार। हमारे भाग श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत ऋषभदेव भगवान का चरित्र का वर्णन आता है, जो जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर कहलाते हैं। उनको हम आदर पूर्वक श्रीमद् भागवत में उनकी कथा और उनकी वह उन जीवन की वह गाथा जिसमें उन्होंने प्रभुत्व को पाया, सिद्धियों को पाया, सिद्धियां नृत्य करती हुई सन्मुखाई पर धन्य है। जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव जी महाराज, उन्होंने एक भी सिद्धि को स्वीकार नहीं किया। हमने किसी से पूछा कि भगवान तीर्थंकर ने, ऋषभदेव भगवान ने सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं किया, क्यों नहीं स्वीकार किया? मुस्कुराते हुए एक संत बोले, पंडित जी सिद्धि से प्रसिद्धि मिलती है, सिद्धि से केवल प्रसिद्धि पाई जाती है, वो तो स्वयं सिद्ध थे। तो इसलिए हमारी आत्मा जैन परंपरा के प्रति बड़ी अद्भुत रहती। हमारा उद्देश्य भारत को एक करना है। हमारी बहन की आज्ञा लगी, गुवानी जी की आज्ञा लगी कि आपको एक बार चलना है भावनगर पालीताना। हम तो इधर बहुत पहली बार फंसे हैं, बहुत पहली बार, और गजब के लोग हैं। पूरे रास्ते में हमें सब लोग मिले, सीताराम बापू, हमें सीताराम, हम समझ गए गुजरात में हम फंस गए हैं। तो हमने सीताराम करी, पर बहुत अच्छे से आना हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। अब हमें बताया 11 बजे आप लोग आ गए थे। हमारी घड़ी जन्म से ही लेट चल रही है, लेट हो जाता है और लेट होना। लेकिन एक दो चर्चा हम आपको आज की करते हैं, इतनी देर से आप बैठे हैं। पहली चर्चा, आज जन्माष्टमी है, भगवान का अवतार हुआ, हाँ जी या ना जी? सब लोग मनाते हैं कि नहीं? अच्छा, अवतार का मतलब क्या है? एक दिन हम बैठे बैठे सोच रहे थे अवतार का मतलब क्या है। अवतार शब्द अवतरणिका से बना है। अवतरणिका कहते हैं संस्कृत में सीढ़ी को, सीढ़ी का नाम है अवतरणिका, उसी से बना है अवतार। अच्छा, सीढ़ी तो तुम जानते हो, बोलो हाँ जी या ना जी? कौन, तुम इंग्लैंड के हो, जानत तो हो ही हो। हाँ, तो सीढ़ी का काम क्या? सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं और सीढ़ी से उतर सकते हैं, इसी से बना अवतार। भगवान अवतार क्यों लेते? किसी भक्त ने भगवान से पूछा कि आप ब्रह्म हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अगर आप कहो कि आप कंस को मारने के लिए अवतार ले रहे या रावण को मारने के लिए अवतार ले रहे, तो कंस को भी आपने बनाया, रावण को भी आपने शक्ति दी, वहीं बैठे बैठे मार सकते थे, अवतार लेने की क्या जरूरत, भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत? तब हमें एक तर्क समझ में आया, भगवान अवतार क्यों लेते। हमारे एक संत ने पूछा, प्रभु आप अवतार क्यों लेते हैं? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, भैया हम कंस या रावण को मारने के लिए अवतार नहीं लेते, हम तो सबरी के घर झूठे बेर खाने के लिए और भुलली की साग खाने के लिए अवतार लेते हैं। अच्छा, सीढ़ी का दो काम, चढ़ना और उतरना।
सीढ़ी से चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं। ऐसे ही भगवान के पास पहुंचने के दो रास्ते, साधना के बल पर चढ़कर प्रभु को पा सकते हैं, और जब साधना ना हो, हमारे जैसे लोग जब नीचे से पुकार करते हैं तो प्रभु स्वयं नारायण नर बनकर के नीचे उतर आते हैं। यही अवतार का कारण है। तो भगवान ने अवतार कहां लिया? आहा हा, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ कारागृह में, जिसे बंदी गृह भी कहते, जेल खाना भी कहते। भगवान जेल में प्रकट भए, क्या गजब के भगवान! कोई जेल में प्रकट होता है, है? जेल में प्रकट भए, अरे जेल में क्यों आ गए? महल में आ जाते, झोपड़ी में आ जाते, जेल में नहीं आना चाहिए। पर कितनी अद्भुत मासूमियत है हमारे प्रभु में, कितने सरल हैं ठाकुर जी। हमारे ठाकुर जी बंदी गृह में इसलिए प्रकट भए ताकि हम लोग जो बंधन में पड़े हैं, उन बंधन में पड़े हुए बंदियों को बंधन से मुक्त कर दें। तो स्वयं ही बंदी गृह में प्रकट हो गए। अच्छा, क्या हम लोग भी बंधन में हैं? बिल्कुल है, तुम लोगों से जितने भी लोग, हम लोग सब लोग। अच्छा, हमारी एक आदत है, हम कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते, क्योंकि छूटनी है ही नहीं। कि आप लोग, आप लोग नहीं, हम सब लोग, ये तो बात हम वेस्टर्न लीज की बता रहे हैं, बुरा मत मान जाना कि अभी तुम बोतल फेंक के मारने लगो, बड़ा कठिन है, सत्य बोलना भी बड़ा कठिन है। हाँ, तो हम लोगों की आदत क्या है, हम लोग मंदिर में जाते हैं, आरती गाते, ओम जय जगदीश, ओम जय, फिर आरती में गाते, तन मन धन जो कुछ है स्वामी, सब कुछ है तेरा। बाहर आकर निकल करके कहते, गाड़ी कहाँ गई है मेरी, लुगाई हिरा गई है मेरी, बताइए। अंदर कहते, सब कुछ तेरा। बाहर आके कहते, ये मकान है मेरा, बताइए। कितने गजब के लोग। अंदर कहते, सब तेरा। बाहर कहते, मेरा। एक गुजरात में एक बार, एक गुजरात क्या, इसी गुजरात में हम एक बार पूर्व जन्म में फंस गए, यहीं पालीताना में। हमारा एक चेला रहता था चंगीलाल, तो हम उसके घर गए, हमने कहा, ये मकान किसका है? बोले, गुरुजी आपका ही है, आपका ही है। हम कहा, फिर तुम क्या कर रहे यहाँ? तो हमारा है तो तुम क्या? लौट के नहीं उसने कहा कि ये आपका है, वो समझ गया कि खतरनाक है। तो हम लोग शब्दों से कहते हैं, भगवान सब कुछ तेरा है, पर कभी विचार करना, क्या मानते हैं? ऐसे समझो, आरती की थाली आ जाए तो तुम सिक्का खोजते हो, छुट्टा हो तो दे, पांच का दे, पांच का, पांच का, और कोई बंदूक लगा दे कनपट्टी पे तो गड्डी फेंकते हो। कितने गजब की बात है। और भगवान से कहते सब कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गड्डी चढ़ाओ भगवान के पास। हम ये कहना चाहते, लोग कहते कि हम भगवान को चढ़ाएं क्या? हमारे पास बहुत से लोग आते, गुरुजी हम आपको क्या दे दें? हम उनसे कहते, भैया हमें कुछ चाहिए नहीं, कुछ दें तो हम भी तुम्हें दें, तो फिर दोनों बिजनेसमैन हो गए। तो तुम भी कुछ दो, हम तुम्हें आशीर्वाद दें, कल्याण हो चेले, तो दोनों बिजनेसमैन हो गए। देने और लेने का काम व्यापारियों में होता है, गुरु या चेले या भक्त भगवान में देने लेने का काम नहीं होता। तो बोली, करें क्या? हमने कहा, एक काम करो, तुम अपना मन चढ़ा दो, हमसे प्रभु से प्रार्थना करवा लो। तो हम लोग भी बंधन में पड़े, किस में पड़े हैं? जोर से बोलो, बंधन में। बंधन क्या है? ये माया का बंधन, संसार का बंधन, रिश्तों का बंधन। इस बंधन से बचने के लिए कोई उपाय है? पूछो, कह दो है। हम बता रहे, एक उपाय है, पूछो क्या, जोर से पूछो। बंधन से बचने का उपाय गुरुओं का बंधन है, भगवान का बंधन है। बंधन से बचना है तो बंधन कीजिए, बंधन से बच जाओगे। इस धन है भगवान कृष्ण, आज जन्माष्टमी है, भगवान कारागृह में प्रकट भय, बंदी गृह में प्रकट भय, और बंधनी बंदी गृह में प्रकट होने वाले परमात्मा ने वसुदेव जी को बंधन से मुक्त कर दिया। आपने सुना होगा, कथा कहती है कि जब भगवान प्रकट भय तो हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बीड़ियां खुल गई। किसकी खुल गई?
वसुदेव जी की। इसका मतलब क्या, जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। कथा बहुत प्यारी है। ऐसे ही जब मन रूपी मंदिर में तुम भगवान की भक्ति को प्रकट कर लोगे तो संसार का बंधन अपने आप छूट जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन प्रश्न, छूटता क्यों नहीं है? छूटता इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल हम लोग भी भगवान को अपने हिसाब से, पहले 20 साल पहले जब भगवान की कथा होती थी लोग ऐसे बैठ देते हैं, जय है जय जय बाबा, बहुत अच्छा। अब आजकल सब ऐसे, पहले के जमाने, आज से 4-5-6 साल पहले भी हम थे, इतने जल्दी नहीं हम प्रकट भाई। तो आज से 7-8 साल पहले की हम बात बता, 7-8 साल पहले कोई भी हम गांव में, बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, दिल्ली मुंबई जाते थे, लोग मिले गुरु जी प्रणाम आशीर्वाद दो, हाँ कल्याण हो चेला। अब आजकल जो भी मैं गुरु जी एक सेल्फी हो जाए, हाँ भगवान की कृपा ठटरी के बरे है? अब क्या हलवा भगवान की कृपा हो जाएगी, तुम भी मॉडर्न हो गए तो भगवान भी मॉडर्न होते चले जा रहे हैं। बुरा ना मानिएगा, हमें अपनी पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ना है। अब जैसे बुरा ना माने, पहले कथाओं में लोग बैठते थे, संतों के दर्शन करते थे, पादुका दूर उतार लेते थे, आजकल मंच पे ही पहन के चढ़ जाते, हमें बड़ा अच्छा नहीं लगता, हमें लगने लगता कितनी विचित्र बात है। अरे भाई हम सब सनातनी है, बुरा ना मानिएगा, हमें जितना हलीउल्लाह वाले, इस्लाम वाले, इनसे कम डर है, अपने बालों से ज्यादा डर है सनातन के लिए। अपने बालों से ये डर है, ये खेत के कुछ इतने बिजूके हैं, खुद तो राम के हैं नहीं, और दूसरे अगर राम जी की बात करें तो उनको कहने नहीं देते। बुरा ना मानना, आप और हम भारत में रहते हैं, भारत सबका है, सनातनी है हम सब, लेकिन एक बात हम गर्व से कह सकते हैं, हम नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। अच्छा, बंधन में रहने से बंधन छूट जाते हैं, ये तो तय हो गया। अब दूसरी बात सुनो महाराज, भगवान की कृपा कैसे होगी? भगवान की कृपा पाने का एक ही उपाय है, सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ। छोटे बच्चे को देखा होगा, माताएं छोटे बच्चे को लेकर कई बार ऊपर फेंकती हैं और फिर कैच कर लेती हैं, बच्चा रोता नहीं है, उल्टा खिलखिलाता है। क्यों? बच्चे को पता रहता है कि नीचे छक्कने वाला, पकड़ने वाला कोई है। ऐसे ही तुम भी भगवान के सामने बच्चे बनकर के बैठ जाओ, वो ऊपर फेंकेगा वही कैच कर लेगा, फिर तुम खिलखिलाते रहना, तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हें भरोसा रहेगा कि कोई गिरने से बचाने वाला होगा। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। दोस्तों आप जानते ही हैं, इस समय बागेश्वर धाम सरकार गुजरात में के दौरे पर हैं और वहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार मुनि सागर जी महाराज और काफ़ी अन्य संत महात्माओं से मिल रहे हैं और बागेश्वर धाम सरकार की बैठक भी बागेश्वर सरकार कई संतों से कर रहे हैं और बागेश्वर गुरुजी 26